नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय परमार है। मैं सी मेडिकल एजुकेशन सर्विसेज से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद से। सब लोगों को एक ही टेंशन आ रही है अभी तो, बोर्ड के एग्जाम, उनके बाद नीट की एग्जाम। और आज ये बात करने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 7 से 8 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, बाकी जो ड्रॉप आउट है वो भी इस कंपटीशन में शामिल होंगे। तो ये मसला ये है कि अब इतने सारे स्टूडेंट जो बी ग्रुप के हैं वो एडमिशन कहाँ पे लेंगे, जबकि हमारे पास सीटें होती है सिर्फ 3500। करीबन अगर एक दो कॉलेज और खुल गए तो भी कितने होगी। तो ये 3600 या 700 सीटों में एडमिशन कौन कहाँ पे लेगा, ये सारा टेंशन, सभी टेंशन मम्मी अपने मदर फादर पेरेंट्स के सिर पे आता है। तो करना क्या चाहिए? तो अभी एक चीज जो आप बरसों से चली आ रही है कि बाहर जाके एडमिशन लें, उनमें भी ये एमसीआई ने रोक लगा के रखी है कि नीट कंपलसरी हो रहा है। नीट का कंपलसरी होना यानी कि आपको नीट क्वालिफाई करके ही बाहर एडमिशन ले सकते हैं। अभी ये लोग सोच रहे हैं कि नीट में अगर क्वालिफाई हो गए तो कौन से देश में, कौन से कंट्री में हम जाए, एब्रॉड में कहाँ एडमिशन ले, कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये एक चीज सामने आ रही है कि एडमिशन ले तो कहाँ पे ले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन लेने के लिए एब्रॉड में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने के लिए कुछ चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। नहीं कि पहले से कोई बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे तो हम भी वहाँ पे पढ़ने के लिए जाए, बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे का भी एक देखना पड़ता है कि आपका बच्चा कितना स्कॉलर है, क्वालिफाइड है, आपका बजट कितना है, आपके बच्चे की स्वास्थ्य के हिसाब से उसको ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है। ये पूरा करियर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं और ये देखना भी चाहिए। हमें इतने सालों से ये हमें एक्सपीरियंस है कि कभी कभी बच्चा होनहार होने के बावजूद भी वहाँ पे टिक नहीं सकता। एडमिशन लेने के लिए कई सारी चीज़ें ऐसी हो जो देखनी पड़ती है। मैंने बताया कि होम सिकनेस जो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वहाँ पे एक साल या डेढ़ साल पढ़ने के बाद उसे ये महसूस होता है कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैं लेके आया था वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। वैसे आजकल के बच्चे बहुत ही एडवांस हैं तो उनको ये चीज़ तो होम सिकनेस तो हम 0.01% पे रखते हैं। कोई ही बच्चा ऐसा होता है जिसको ये चीज़ आती है। दूसरी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, पहली चीज़ होती है, पहले आपको ये तय करना चाहिए कि आपका बजट कौन सा कितना है, क्योंकि हर एक कंट्री में वहाँ की लिविंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, वहाँ के रहने खाने पीने का भी तरीका भी अलग होता है। तो बजट आपको कोई बताएगा कि 10 लाख में या 15 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल ही गलत है। चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर एब्रोड जा रहा है तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या आपका चेकलिस्ट एक रेडी होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपका बजट कितना है वो आपको तय करना चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, कई मरतबा लोग आधे से रास्ते से चले आते हैं। आधे रास्ते से मतलब कि आपको पहले बताया गया होता कि 10 to 15 lakhs में आपका ये जो MBBS का कोर्स है वो कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चा एक या दो साल में आपका बजट पूरा हो जाता है, आपने कहीं से पैसे लिए वो भी चुका नहीं पाते आप। तो ये बजट का देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रहने खाने पीने का एक्सपेंडिचर्स का कितना खर्चा आएगा, कंट्री देखना, हर एक कंट्री का एक लिविंग कॉस्ट अलग होता है, बच्चे वहाँ से आना जाना, ये सारी चीज़ें आपको एक बजट बनाना पड़ता है। वो बजट आपको बनाने के बाद तय कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी फीस इतनी है, इतना हमारा लिविंग कॉस्ट है और इतना एक्स्ट्रा हमारा खर्च आएगा। तो बजट एक पहले देखना पड़ता है, ये कोई बताता नहीं है कि इतना बजट होगा, बस आपको ये बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ी इतनी है और आप एडमिशन ले लेते हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का ये मानना है मेरा कि लैंग्वेज इंग्लिश मेन लैंग्वेज होनी चाहिए। कई सारे कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ऐसा बताया जाता है आपको कि इंग्लिश में ही आपकी पढ़ाई होगी, लेकिन आप सोचिए इंग्लिश में पढ़ाई होगी, एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो स्टूडेंट को, वो आपको अगर यूक्रेन या रशिया में तो आपको रशियन आनी ही चाहिए। लोग यहाँ से बोल के जाते हैं कि वहाँ पे तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई होगी, लेकिन आप सोचिए वहाँ पे इंटर्नशिप में अगर बच्चा वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेट करेगा तो कौन सी लैंग्वेज में करेगा? वो चाइना में होगा तो चाइनीज लैंग्वेज में करेगा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में करेगा। अगर ऐसा कंट्री हो कि वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाए, हाँ अगर आपको ऐसा कि मैं वहाँ जाके सीख लूँगा तो ओके, वो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते कि नहीं इंग्लिश भी हमारे लिए कठिन है, तो आप दूसरी लैंग्वेज का कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो ये इंग्लिश मीडियम ये होना ज़रूरी है। कंट्री में भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होनी चाहिए, जैसे कि फिलीपींस है, बलीज है, जॉर्जिया है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है।
तो वहाँ पे इंग्लिश बोलने से इंटर्नशिप में अगर वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट आए तो बच्चा आराम से उसका कन्वर्जेशन कर सके। दूसरी चीज आती है वो है स्टडी का ड्यूरेशन। अभी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, पहले के जमाने में ये मायने नहीं रखता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि जो लिविंग जो हमारी है वो पहले 70 या 80 ईयर्स की थी, अभी 60-65 है कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारी पढ़ाई भी उतने कम ईयर में अगर कम साल में हो जाए तो काफी बड़ी बात होती है। जैसे कि कई जगह पे मैंने देखा कि 6-7 साल तक बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं यहाँ के, फिर MCA को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड किया है, उसको बोलती है कि आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा यहाँ के। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जा रहा है वहाँ पे इंटर्नशिप के हिसाब सब मिला के कितना साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ के उसको MD की प्रिपरेशन करनी है। अभी तो लोग MD से भी नहीं रुक रहे, सुपर स्पेशलाइजेशन का ये पूरा हमारा एडवांस जो न्यू इंडिया का कॉन्सेप्ट है, या माने के दुनिया से कदम मिला के चलना है तो हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करके सुपर स्पेशलाइजेशन में लोग जा रहे हैं, तो उनके लिए और 3 साल लग जाते हैं। तो MBBS किया, 5.5 साल किया या 6 साल किया आपने, उसके बाद 3 साल का आपने MD किया, उससे 3 साल का आपने स्पेशलाइजेशन किया, तो जो ये स्टडी का ड्यूरेशन रहता है बहुत बढ़ जाता है। तो इनके हिसाब से आपका बजट भी बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम ये सोच ले, ये मान ले कि हम अगर इसका ड्यूरेशन तय करेंगे, ऐसी कंट्री में उसको भेजेंगे कि बाद में अगर उनको कोई जरूरत पड़ी या बाद में उसको कोई MD MS की एग्जाम की प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ी, 1-2 साल और लग गए, तो कितने साल में इसका MBBS कंप्लीट होगा। तो ये स्टडी का ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है, तो वो भी हम आपको गाइड करते हैं कि कितना स्टडी का ड्यूरेशन कौन से देश में कितना है, वो कितने टाइम में वो वापस इंडिया आ सकता है या कहीं बाहर जा सकता है। और ये सबसे अहम बात है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, कई देशों में ऐसा मैंने देखा है कि 25 तक जाता है। तो ये जो -25 3 या 4 महीने तक जो बच्चे बाहर नहीं आ सकते घर के अंदर, हाँ वहाँ पे इतने से कपड़े मिल जाते हैं लेकिन बाहर घूमने का कॉलेज जाने का जो प्रबंध है वो नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि हम वहाँ हमारे बच्चे इतने कम ये टेम्परेचर में पढ़ पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात ये होती है आने जाने का, जो आने जाने का रहता है, जो खर्च रहता है, वहाँ पे कितने साल रहना है, वो कितनी बार बच्चा आएगा कितनी बार जाएगा, ये भी आपको देखना चाहिए। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि कई जगह पे मैंने देखा कि कैपेसिटी के बाहर जो कैपेसिटी नहीं होती, उतने सारे लड़के वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो यहाँ से बस वहाँ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज की भी कैपेसिटी नहीं उतने बच्चों को पढ़ाने की। तो ये भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जिस कॉलेज में जा रहा है उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, कितना क्लास लगता है वहाँ पे, एक क्लास में कितने बच्चे रहते हैं, एक हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल या हॉस्टल की कैपेसिटी या कॉलेज की कैपेसिटी भी हमें देखनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये है कि हम जहाँ पे उसको पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है कि नहीं। मान एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आजकल का दौर ये है कि लोग US से जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ है कि नहीं वहाँ पे, मतलब कि वहाँ वो USMLE की प्रिपरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, वहाँ प्लेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारी चीज़ों में हमारा बच्चा फिट होता है कि नहीं होता, क्यों हम उसको भेज तो देते हैं कि हमारे बच्चे को हमने भेज दिया, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मेरा बच्चा इन सारी चीज़ों में फिट होगा? कभी कभी ऐसा होता है हमारा बच्चा इतना स्कॉलर होने के बावजूद भी वहाँ जाके वो फिट नहीं होता, ये सारे रिक्वायरमेंट जो होती है वहाँ पे फिट नहीं होता। बजट का सेकेंडरी रहता है, पढ़ाई का सेकेंडरी रहता है, लेकिन उनका ये सारी जो चीज़ होती है उनसे हम बच्चे के साथ बैठ के उसको उनके साथ हम ऐसा नहीं कहते कि उनके पेरेंट्स आ जाए, उनसे बात कर ली, बजट का देख लिया, कंट्री देख लिया, उसको भेज दिया, नहीं ये चीज़ नहीं है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे का करियर गाइडेंस हम बच्चे के साथ ही करते हैं, तो ये एक बड़ी बात होनी चाहिए। वैसे आजकल जो चल रहा है दौर, सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं, गुजराती मीडियम भी कॉप अप कर लेते हैं सबके। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी हर एक कंट्री में अभी सब लोग ये स्टूडेंट जो बाहर से आ रहे हैं उसको एक अपना एसेट मान रहे हैं, यूनिवर्सिटी अपना एसेट मान रहे हैं, कभी काफ़ी सारी कमाई कर रहे हैं हम लोगों से। तो एक चीज़ ये है कि वहाँ पे सेफ्टी हर जगह पे हमारे मेडिकल स्टूडेंट को मिली जाती है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उनको परेशान किया जाए, सिवाय कि हमारे बच्चे वहाँ जाके कोई नोटोरियस चीज़ ना करें। तो ये एक सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों के बाद रहने का कहाँ पे है, उनका डिस्टेंस जो हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टेंस देखना पड़ता है, उनका यहाँ से वो कहीं ऐसे कंट्री में तो नहीं वहाँ पे सिटी और वहाँ पे एयरपोर्ट का या वहाँ पे मेन कैपिटल का अंतर बड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए।
और ये हम सारी चीजें आपको बताते हैं। हमारा ये एक मोटो रहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी किसी को भी होनी चाहिए। आप किसी के भी साथ काम करो तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, मेरा बच्चा यहाँ पे रहेगा, हमारा बजट इतना रहेगा और स्टडी का ये क्वालिटी रहेगा। तो ये सारी चीजों को मिला के आपको ये एब्रॉड की एडमिशन की तैयारी करनी चाहिए। वैसे ये एक सारी चीज है, पहले वहां पे लोग पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अभी वहां पढ़ के जो आते हैं वो एक टू बी अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि वो एक अलग तरीके से अलग मुकाम पे वो अपना हासिल कर सकते हैं। यहाँ का बच्चे का मैंने सुना है कि 90% होने के बावजूद भी नीट में क्वालिफिकेशन, मतलब कि एडमिशन नहीं मिलता नीट की वजह से, क्वालिफाइड है तो वो बच्चे आराम से वहां जाके अपनी पढ़ाई करके यहाँ के बच्चों से भी आगे एमडी एमएस यूएसएमडी पढ़ाई कर रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे नहीं कर पाते। यहाँ पे रैंक आया है, यहाँ पे उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, फिर भी वो यूएसएमडी क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन बच्चा वहां जाता है, वहां क्वालिफाई करके यूएसएमडी पास करके यूएसए गया है, कनाडा गया है, मैक्सिको में अभी प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो रहती है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव थिंग्स को हम क्रिएट करते हैं, उनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देना, उनके साथ बात करना, ये सारी चीजें हम करियर गाइडेंस में देते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है 7228922033। आप कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और करियर गाइडेंस के लिए, एमबीबीएस एंड एब्रॉड के लिए। थैंक यू।